अस्सलाम वालेकुम। क्लास थ्री हमने चैप्टर पढ़ा था कौमी परचम, उसके हमने मुश्किल अल्फाज अल्फाज मायने भी किए थे, ठीक है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर वन। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर वन करेंगे कौमी परचम से क्या मुराद है। सवाल क्या है, कौमी परचम से क्या मुराद है। हर कौम की कुछ खसूसियात होती हैं जो उसे दूसरी कौमों से मुमताज करती है। इन्हीं इम्तियाजात की वजह से कौम की शनाख्त होती है। इन इम्तियाजात में अहम और नुमाया इम्तियाज कौमी परचम का है, क्योंकि कौम की तहरीक और सकावत कौमी परचम से ही जाहिर होती है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर वन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर वन आप कीजिएगा, साफ सुथरा कीजिएगा। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर वन ही कराऊंगी, नेक्स्ट डे जो है वो आपको मैं क्वेश्चन नंबर टू और थ्री करवाऊंगी, ठीक है। साफ सुथरा काम कीजिएगा, अच्छा काम कीजिएगा।